नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो होंडा की SP125 है, इसके जो क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं जब आप इसको परचेज करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, यहाँ पे ये 125 सीसी के हिसाब से यहाँ पे मॉडर्न डिजिटल मीटर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे एक USB पोर्ट की जो है कमी वो काफी खलती है, और साथ में यहाँ पे एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर है वो भी होना चाहिए। जहाँ पे जो अदर 125 सीसी की जो बाइक्स आ रही है उनमें ये फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ये फीचर को यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा जो नेगेटिव फीचर मेरे को लगता है वो इसके सस्पेंशन के है। सस्पेंशन इसके मेरे को काफी हार्ड लगे, मतलब जब ये बाइक खड्डों के अंदर जाती है तो ये भाई साहब बहुत ही हार्ड यहाँ पे फील होते हैं सस्पेंशन। और सर्विस सेंटर पे मैंने इन सस्पेंशन के लिए एडजस्ट करने के लिए बात करी तो वो कहते हैं कि भाई ये कंपनी के जो इनके कंपनी के स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी ये सेट किया हुआ है, तो इसको और एडजस्ट नहीं कर सकते अभी। अब ये चीज क्या है मेरे को समझ नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है ये इसके गेयर शिफ्टिंग इसकी इतनी स्मूथ नहीं है। हालांकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक तो काफी स्मूथ लगी, लेकिन जो फोर्थ गियर से जो ट्रांजिशन है फोर्थ गियर से या तो फिफ्थ में जाते हैं या फोर्थ गियर से वापस आते हैं वो मेरे को इतना स्मूथ नहीं लगा, उसमें ये थोड़ा सा अटकता है। इसके अलावा फोर्थ जो ड्रॉबैक है जो मुझे फील होता है वो है ये फुटपैक्स काफी या तो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो क्यों जो गाड़ी को ऐसा बाहर अंदर करते हैं तब ये काफी टच हो जाते हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, मतलब फोल्डेबल भी नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसके जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा वो इसकी सीट का मैं बोलूंगा, तो सीट इसकी जो चौड़ाई है काफी कम है, मतलब पतली सीट है, तो ये काफी लंबी जब 50-60 किलोमीटर से ऊपर की जो इसकी राइड होती है उसके बाद ये जो सीट है ये कंफर्टेबल उतनी नहीं रह पाती जितनी की ये होनी चाहिए। तो लंबी दूरी के ऊपर जो इसकी सीट का कंफर्ट है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे ये जो सीट है ये चुभने लगती है, मतलब हार्ड फील होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो ये आगे से जो इसका जो फेंडर है जो कि बाहर की साइड से निकाले हुए हैं, तो जब यहाँ पे सैडलिंग करते हैं खड़े होके तो ये इस पोर्शन के कारण यहाँ पे सैडलिंग करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो कुल मिलाकर ये कुछ फीचर्स हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है कि ये थोड़ी सी इसकी राइड को कंफर्टेबल नहीं बनाते हैं। हाँ, हालांकि ये डेली कम्यूटर के हिसाब से तो काफी बढ़िया बाइक है, लेकिन जब लॉन्ग दूरी की बात करें तो जो हमेशा जो लोग ट्रेवल करते रहते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो पहली बार लंबी दूरी पे जाएंगे उनको थोड़ी ये अनकंफर्टेबल फील हो सकती है। 50-60 किलोमीटर के लिए काफी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड जिनको आदत है और प्रैक्टिस है उनके लिए काफी कंफर्टेबल है, नो इशू, और बैलेंस इसका ठीक है। इसके अलावा एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका ये जो पेट्रोल टैंक का ढक्कन है ये बहुत ही परेशान करता है, मतलब आपको जो पेट्रोल फिल कराना रहता है तो इसको पूरे को निकाल के बाहर हाथ के अंदर लेना पड़ता है, तो ये काफी अनकंफर्टेबल सा लगता है, और कई बार तो ये अच्छे से फिट भी नहीं होता, तो एटलीस्ट इसको यहाँ पे जॉइंट वाला देना चाहिए था, खोला और पेट्रोल भराया वापस को फिल कर दो, इसको पूरा लिफ्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे जो कि मुझे लगता है इस बाइक के अंदर है और इनको कंसिडर किया जा सकता है जब आप इसको परचेस करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया और थोड़ी सी हेल्प की हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर, टिल देन मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।